तो मम्मी का बल्ला ना दरवाजे में अटक गया और एकदम से दरवाजा बंद हो गया और मैं मम्मी को सीटते घसीटते ना लोहे का पिलर होता है ना मम्मी इस पे गिरी और मम्मी पटरी पे गिर गई, एक आँख बाहर निकल गई और दोनों और जब तक नहीं रोका उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने हमारे चैनल पर एक खबर देखी होगी जहां पर इंदरलोक मेट्रो स्टेशन पर एक महिला के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हुई, जिसके बाद हम उनके बच्चों से मिलने नांगलो इलाके में गए थे। वहाँ से उनके परिवार से हमने बात करने की कोशिश की थी, जहाँ पर उन लोगों की ये मांग थी कि क्योंकि ये पूरी घटना जो है मेट्रो में घटित हुई थी। हमें महानगर जाना था नानी के घर शादी अटेंड करने, तमने इंदर हमें याद है नांगलो से इंदर लोग से हमें दूसरे में चेंज करनी थी ना, तो हम वो कर रहे थे इंदर लोग से हम दूसरी कर रहे थे है ना, तो वो जैसी आवाज़ है ना तो मम्मी का बल्ला ना दरवाजे में अटक गया और एकदम से दरवाजा बंद हो गया और मैं मम्मी को सीटते घसीटते ना लोहे का पिलर होता है ना मम्मी इस पर गिरी और मम्मी पटरी पे गिर गई और फिर जब जैसे मैं कूदा उठा एक आँख बाहर निकल गई और जब तक नहीं रोका उन्होंने और दोनों ये पसली टूट गई उनकी। अच्छा, उसके बाद वहाँ पर पुलिस आई थी? पुलिस नहीं आई थी, अम्मी जब मैं नीचे लेके गए थे ना तब पुलिस वहीं पे खड़ी हुई थी नीचे। ऐसे होना चाहिए, वहाँ पे पुलिस तो होनी चाहिए, गार्ड होने चाहिए, सेफ्टी के लिए कुछ तो होना चाहिए। सही कह रहा है, सेफ्टी के लिए तो कुछ होना चाहिए हमारे। मेरी मम्मी के अलावा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैं बात आज का जाते कल आ जाते कल चले जाते, ऐसे होता है। किराए के घर पे रहते हैं मम्मी मेरे लिए, मम्मी टमाटर की रेट लगा से सही गुजारा करती थी मेरी मम्मी का। और कहीं ना कहीं मेट्रो वालों की लापरवाही इस घटना में सामने आ रही थी, तो उन लोगों ने ये मांग की थी कि कुछ मुआवजा दिया जाए। अब मैं आपको बता दूं कि उस महिला के जो है दो बच्चे हैं, जो कि अपने बच्चों के साथ ही रहा करती थी, उन बच्चों के गुजर बसर के लिए वो टमाटर की रेड़ी लगाया करती थी, लोगों के घरों में काम किया करती थी। लेकिन 4 साल पहले ही उनके पिता गुजर गए थे, जिस कारण माँ पूरा घर संभाल रही थी, लेकिन अब इस पूरी दुर्घटना में माँ की भी जान चले गई, जिस कारण 12 से 13 साल के बच्चे जो हैं अनाथ हो गए। अब ऐसे में सब लोगों की यही मांग थी कि दिल्ली मेट्रो को जो है उन्हें मुआवजा देना चाहिए, ताकि वो अपना भविष्य उज्ज्वल तरीके से बिता सके। अब हाल ही में दिल्ली मेट्रो द्वारा ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि उन बच्चों को वो मुआवजा देने के लिए तैयार है। दरअसल आज ही दिल्ली मेट्रो ने ट्विटर के जरिए ये जानकारी साझा की है कि वो उन बच्चों को पूरे 15 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, ताकि वो कुछ अपना गुजर बसर कर सके। आपको मैं बता दूं कि दरअसल हुआ ये था कि बीते 15 दिसंबर के दिन वो महिला अपने बेटे के साथ इंदरलोक मेट्रो से मेट्रो चेंज कर रही थी। मेट्रो स्टेशन पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, वो महिला तो मेट्रो में चढ़ जाती है लेकिन उनका 12 साल का बेटा बाहर रह जाता है, जिस कारण उस महिला को मेट्रो से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन बाहर आते समय उनकी साड़ी का एक टुकड़ा मेट्रो के दरवाजे में अटक जाता है और मेट्रो के गेट अचानक से बंद हो जाते हैं और मेट्रो चल जाती है, जिस कारण वो महिला मेट्रो के साथ घसीटती हुई आगे तक जाती है और दुर्भाग्य से उस महिला की मौत हो जाती है। जिसके बाद बीते रविवार को इलाके के लोगों द्वारा जो है पूरे नांगलो इलाके में चक्का जाम किया गया था, ताकि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर सुनवाई हो सके। और आज दिल्ली मेट्रो द्वारा ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो पूरे 15 लाख रुपए उन बच्चों को देने को तैयार है। अब जो भी ये पूरा मामला सामने आया था, काफ़ी ज़्यादा दुख भरा मामला है। हम जब बच्चों के साथ उनसे मिले थे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उन लोगों की भी यही मांग थी कि उनकी माँ तो चले गई है लेकिन अब उन्हें कुछ ऐसा सहारा चाहिए जिससे वो अपनी बची हुई ज़िंदगी बिता सके। अब दिल्ली मेट्रो द्वारा उन्हें 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि क्या लगता है आपको ये 15 लाख रुपए क्या काफ़ी रहेंगे उन लोगों के लिए उनका भविष्य बिताने में। कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ, ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।